गाइज आई रिक्वेस्ट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। रेनॉल्ट मोटर्स ने अपनी डस्टर एसयूवी को 2012 में फर्स्ट बार इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। डस्टर ने रेनॉल्ट मोटर्स को इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अपनी एक अलग ही जगह बनाने में मदद की। इस मिड साइज एसयूवीज ने फ्रांसीसी कार मैन्युफैक्चर कंपनी को इंडियन मार्केट में काफी अच्छी अचीवमेंट भी हासिल करवाई थी। रेनॉल्ट इंडिया ने अपनी इस एसयूवी को अब तक कुछ सिमिलर अपडेट ही दिए हैं, लेकिन इसकी सेल्स अभी भी काफी अच्छी है। रेनॉल्ट डस्टर को साल 2014 में एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट दिया गया था एंड एएमटी गियरबॉक्स के साथ इसे साल 2016 में एक मिड साइकिल अपडेट के साथ पेश किया गया था। रेनॉल्ट ने डस्टर एसयूवी को साल 2017 के लास्ट में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट में सेकंड जनरेशन के साथ लॉन्च किया था। हालांकि रेनॉल्ट ने डस्टर के इस सेकंड जनरेशन मॉडल को इंडिया में न लाने का फैसला किया था। इसके जगह कंपनी M0 प्लेटफॉर्म पर बेस्ट एक 5 सीटर एसयूवी को ही इंडियन मार्केट में सेल कर रही है। रेनॉल्ट ने जुलाई 2019 में डस्टर को ग्लोबल मॉडल से ही सिमिलर एक फेसलिफ्ट अपडेट दिया था। अब सेकंड जनरेशन की डेसिया डस्टर के डिजाइन को इंडिया में पेटेंट कराया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी इस पर वर्क भी कर रही है। इंडिया में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट काफी पॉपुलर है एंड इसमें कॉम्पिटिशन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा समय में हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, निशान किक्स, टाटा हैरियर एंड MG हेक्टर इस सेगमेंट में बेची जा रही है। रेनॉल्ट डस्टर को यूरोपियन मार्केट में डेसिया बैच के थ्रू सेल किया जाता है एंड वहां के मार्केट में ये एक मेन एंड पॉपुलर एसयूवी है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाली रेनॉल्ट डस्टर इंडियन मार्केट में बिकने वाली रेनॉल्ट डस्टर में काफी सारे डिफरेंस है। हाल ही में डस्टर के 7 सीटर वर्जन को एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान देखा गया था और माना जा रहा है कि इसे जल्द ही विदेशों में लॉन्च किया जाएगा एंड इंडिया में रेनॉल्ट डस्टर को ग्रैंड डस्टर के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इंडिया लॉन्च को लेकर अभी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। इंडिया में पहले से ही कुछ 5 सीटर एसयूवी के 7 सीटर वर्जन मौजूद है। इनमें MG हेक्टर प्लस एंड टाटा सफारी शामिल है और आने वाले कुछ समय में हुंडई क्रेटा का 7 सीटर वर्जन हुंडई अल्काजर भी इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा। पिगस्टर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड नेक्स्ट जनरेशन डस्टर पर भी काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि यह नए ग्लोबल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। अगर प्राइस को लेकर बात करें तो अपकमिंग रेनॉल्ट डस्टर की एक्स शोरूम प्राइस 9 लाख से 14 लाख रुपीज के बीच रखी जा सकती है। तो गाइज आपके हिसाब से अपकमिंग रेनॉल्ट डस्टर की प्राइस कितनी होनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।